पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। सुपर स्टार्स और फैंस के बीच का रिश्ता भी अजीब है, जिससे कभी आप मिले नहीं हो, जो आपको जानता भी नहीं है और आप उसके दीवाने हो जाते हैं। इस रिश्ते पर मनीष शर्मा ने फैन बनाई है। दिल्ली में साइबर कैफे चलाने वाला गौरव चांदना सुपरस्टार आर्यन खन्ना का दीवाना है। गौरव की शक्ल अपने प्रिय सितारे से मिलती जुलती है। आर्यन से मिलने गौरव मुंबई जाता है। गौरव एक युवा सितारे की इसलिए पिटाई कर देता है क्योंकि उसने आर्यन की बुराई की थी। पिटाई का यह वीडियो वह आर्यन को पहुंचाता है ताकि उसे खुश कर सके, लेकिन इसके बदले में आर्यन उसे जेल की हवा खिला देता है। इससे गौरव बेहद आहत होता है। उस पर जिद सवार हो जाती है कि आर्यन इसके बदले में उसे सॉरी कहे। आर्यन सॉरी नहीं कहता तो गुस्सा होकर गौरव हम शक्ल होने का फायदा उठाता है और आर्यन की जिंदगी को उलट पुलट देता है। अब सुपरस्टार अपने फैन के पीछे भागता है। तो कच्चे वाले फैन तालियां हो जाते हैं। मैं तो गले लगा के दे गया हूं उसको ट्रॉफी। फिल्म के राइटर्स ने सारे लॉजिक एक ओर रखकर अपनी सहूलियत के हिसाब से फिल्म को लिखा है। फिल्म देखते समय दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते हैं जो फिल्म देखने का मजा किरकिरा करते हैं। जैसे एक सामान्य इंसान गौरव देश में विदेश में सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर कहीं भी कैसे घुस जाता है। सुपरस्टार आर्यन पुलिस और जनता को गौरव की असलियत क्यों नहीं बताता। गौरव और आर्यन की शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में अंतर महसूस किया जा सकता है। गौरव युवा है, उसके दांत बाहर है, लेकिन लेखकों ने जब चाहा ये अंतर पैदा किया और जब चाहा ये फर्क मिटा दिया। ये प्रश्न फिल्म देखते समय परेशान करते रहते हैं और लगता है कि फिजूल ही कहानी को घुमाया जा रहा है, जबकि बात करने से सारी स्थिति साफ हो सकती है। जब देखो आर्यन 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 लगता क्या है तू आर्यन खन्ना का फैन। निर्देशक के रूप में मनीष शर्मा खास प्रभावित नहीं कर पाए। कई जगह फिल्म में कंटिन्यूटी की कमी लगती है। इंटरवल के पहले निर्देशक ने फिल्म को रियल रखा है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म वास्तविकता से बेहद दूर हो जाती है। क्लाइमेक्स के पहले वे फिल्म को संभालते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। शाहरुख खान ने अपने अभिनय के जरिए फिल्म से दर्शकों को जोड़े रखने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है और पूरी फिल्म में उनका दबदबा है। आर्यन खन्ना के रूप में उन्होंने खुद को ही अभिनीत किया है। गौरव के रूप में मेकअप के कमाल से वे बेहद युवा और दुबले नजर आए। उन्होंने गौरव के लिए बोलने का लहजा और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग रखी। गौरव के रूप में शाहरुख दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। शाहरुख के अलावा फिल्म में कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो याद रहे। कुल मिलाकर फैन में ऐसी बात नहीं है कि इसका फैन बना जाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।